दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमनी जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमनी उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमनी पा लेता है उसमें कई सारी शक्ति आ जाती है, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुँच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटी, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियां को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमनी की रखवाली किया करती थी। एक बार गोपाल की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापिस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदल कर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमनी की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब गोपाल अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय गोपाल बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब गोपाल ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। गोपाल ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में नहीं पता चलता। उधर गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमनी मिल चुकी थी। गोपाल जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमनी अपने हाथ में पकड़ी और एक इच्छा जाहिर की कि उसकी जो बकरी जंगल में खो गई है वो उसे वापस मिल जाए। दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमनी की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमनी की मदद से। उधर अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए वो नागिन आग बबूला हुई हुई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि गोपाल के पास नागमनी थी और वो तब तक गोपाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमनी मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमनी के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। नागिन के भेष में उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया
और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। गोपाल को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से गोपाल बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन गोपाल और पायल यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पायल ने गोपाल से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब पायल बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में ये कैसा लगता है। इस पर गोपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पायल एकदम से गुस्सा होकर बोली, गोपाल तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैं बस एक तुम्हारे गले की ये छोटी सी आभूषण ही तो मांग रही हूँ। इस तुच्छ चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर गोपाल ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण पायल को दे दिया और पायल को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पायल के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, पायल का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो पायल एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी छूना भी नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।